अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम खुला गोश्त बनाएंगे, तो बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो हमने इसके लिए एक पैन लिया है, ऑयल डाला हमने एक कप भर के, इसमें हमने गरम मसाला डाल दिया पहले से ही, और इसमें हम डालेंगे ऑनियन। तो ऑनियन मैंने हाफ के जी कट करके रखे, सारे डाल दिए। फिर हम बना रहे चिकन का गोश्त, तो बहुत ही अच्छा लगेगा, मटन का टेस्ट आएगा इसमें माशाल्लाह। तो आप ज़रूर बना के देखिएगा, बहुत ही इजी तरीके से बता रही हूँ। तो हमने ऑनियन फ्राई करनी है अच्छे से। फिर गाइस, हम चिकन 1 किलो चिकन लिया, उसको साफ़ कर लिया। फिर इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 2 टीस्पून भर के हम डालेंगे धनिया पाउडर, 2 टीस्पून भर के हम डालेंगे रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून भर के हम डालेंगे साल्ट, आप अपने स्वाद अनुसार ले लीजिए। इसमें डालेंगे गरम मसाला, इसे अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। तो इसे थोड़ी देर के लिए मैरिनेट करके छोड़ दें। ब्राउन हो चुके हैं अच्छे से, हम मसाला मिला के रखे हुए चिकन में डाल दें। देखिए गाइस, हमारा चिकन अच्छे से भून रहा है। तो इस स्टेज में हम डालेंगे इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट, इसे भी अच्छे से मिक्स करके भूने। देखिए गाइस, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, इसमें हमने पानी भी नहीं डाला अभी तक, इसको ऐसे हम भूनते जा रहे हैं मसालों के साथ। देखिए गाइस, उसी जार में अभी हम डालेंगे 1 ग्रीन चिली 1 टोमेटो, हरा धनिया उसका पेस्ट बना लें। पेस्ट बनाए तो अभी डाल दें इसमें, हमने अभी भी इसमें पानी नहीं डाला है बिल्कुल भी, इसे भी अच्छे से भूने। तो देखिए गाइस, विदाउट पानी हमने चिकन बनाया है, गोश्त बहुत ही अच्छा है माशाल्लाह। आप ज़रूर बना के देखेगा, कुछ ही देर में बन के तैयार है। इसकी ग्रेवी मटन का टेस्ट लाएगी। और इसमें हम डालेंगे लास्ट में गरम मसाला, चिकन मसाला, आपके पास जो भी अवेलेबल आप डाल सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।